और मैं इससे इससे शादी क्यों? ये बोलो दिल दिल दिल। आप इससे पूछो इसने मेरे से शादी क्या देखी थी? इसलिए मैं नहीं बोलते दहेज और है ना, इतनी खूबसूरत बीवी कैसे मिल गई? आई लव यू बस। पर नानी, हाँ मेरी पर नानी भी है। तो गाइज ये रही अब हमारी वलीमे की एल्बम। अरे अवरेश वैक्स आयशा जी, हम लोग वलीमा है। ले इसमें तिजोरी में क्या है? उसका भी आया है बाद में, बाद में बोलियो इसके अंदर क्या है सामान, वो देख बच्ची वीडियो कब आएगी। तो इसके अंदर क्या है बंद हुआ वीडियो यार गाइस, वलीमे की उससे ज्यादा अच्छी है। अभी नहीं बोलना, अभी नहीं बोलना। तो गाइज ये हम लोग का वलीमे का छोटा एल्बम है, अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या है और उसके साथ मेमोरीज क्या क्या जुड़ी हुई है हम लोग की। कैलेंडर और ये वही उसका सैंपल है, फोटोज कैसे लगी हुई है डायरी के अंदर, एल्बम के अंदर मतलब। ऊपर इतना चढ़ाया था एकदम थक गई थी मैं, उस पे ऐसी लेट गई, वो भी फोटो लिया। बहुत वजन था ना आपका, तो ये क्यों बोल रहे हो? ये मत बोलो मामी, ये मत बोलो। अरे कैलेंडर है, कैलेंडर है, अभी डेट भी देख लो उसमें। उसने अपनी शादी की डेट इसमें फोटो रखा है, इसमें पूरा 25 का दिया हुआ है, 2025 अगला साल तो काम आना चाहिए ना अगले साल। हाँ क्या ये हमारी वाली फोटो देखो बहुत प्यारी। अरे उसमें बड़ा देखेंगे और इसके अंदर क्या है? पेन ड्राइव गाइस, पेन ड्राइव इसमें लिखा है हैप्पी वेडिंग, दो है बड़ा है ना बड़ा। तो गाइस ये हैप्पी वेडिंग इसमें है हमारा वीडियो, जो वीडियो हम लोग आपसे बाद में शेयर कर लेंगे है ना। चलो गाइस अगर आपको ऐसी वीडियो बनाना है तो आयशा ओहो अच्छी क्या दिख रहा है, एक लिखा हुआ है ये बहुत प्यारा है। और पहली फोटो भाभी ने परफ्यूम अच्छा मारे थे इसलिए आपने बार बार सूंघ रहा था। तो इसको खोलू? खुल जाओ। ओहो इसके अंदर वो है, डालना पड़ेगा फेदर, क्या बोलते हैं इसको? तो बोल रहे हैं वैसे ही एक रैली गए। तो ये है हम लोग का एल्बम, यहाँ पे ये निकलेगा ऐसा, मत निकालो, मत निकालो, अरे निकालो, अच्छा दिखेगा ना, क्या करने का रखे? अरे धूल नहीं चढ़ती है। अरे क्या धूल गए, वैसे भी नहीं चढ़ रहा ये लग रहा है ना, चमक गया चमक। अरे ऐसे ही भाई और भाभी का नाम ऐसे ही चमकता रहेगा गाइस। तो अभी खोलते है एक खाली एल्बम। ओहो अवरेश वैक्स आयशा वलीमा डेट 20 May 2024 और हम लोग का निकाह का 19 February 2024। चलो अच्छा हुआ गलत नहीं बोला, पहला रुक कितना चले, ये एल्बम दिखा नहीं पाते थे पूरी, देखो उठ के चले आते। ओहो एंट्री, ये रही हमारी एंट्री, देखो स्टार्टिंग में निशान पर ये फोटो लगी है, ये फोटो में कितना रोशनी है, अच्छा है हम बोल रहे हैं मैं उड़ा चमक रहा, मेरे फेस से रिफ्लेक्शन से सब चमक गए देख रहे हो। वो फोटो बहुत अच्छा है भाभी, वो दोनों आप लोग की ये दोनों ना बहुत अच्छी निकाल से अच्छी फोटो इसमें है बली में, मैं ये इसके ऊपर ये कलर उठ के दिखता है ना मरून, मरून अच्छा दिखता है, निकाल से अच्छे उसमें आया, क्या क्यों बंद कर देता है? अरे उन लोग गलत टाइम पे फोटो खींच रहे, मैं क्या करूँ, खुश था मैं इस वजह से फोटो खींच रहे थे उन लोग। तो गाइज ये देखो आयशा ने मेरे लिए डांस परफॉर्मेंस की थी यहाँ पे, कौन सा गाना था वो? दीवाना है देखो बस, हाँ तो वो गाने पे था गाइज। गाली क्या मम्मी, देखो ये मेरा देवर मेरा मदद करते हुए, भाभी को बोला मैं अकेले कर रहा हूँ लेकिन भाभी बोले मेरे पैर में लगा हुआ है दर्द हो रहा है और जबरदस्ती मैं जबरदस्ती बोला था भाभी एक ही मौका है इसमें भी नहीं थे क्या नाच मम्मी? नहीं नहीं थे, नहीं, 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 और नहीं। शादी में तबियत खराब थी, शादी में तबियत खराब थी, वली में 6 महीने तक तबियत खराब थी, 4 महीने आए थे मैं बात वो हो गया था ना। डू आई लव यू बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल और आर यू ब्यूटीफुल बिकॉज आई लव यू? क्या थॉट वो था? यू आर ब्यूटीफुल बिकॉज आई लव यू, नहीं आई लव यू बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल, नहीं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है वो, आई लव यू बस। ओहो चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या लग रहा है? होल्ड माय हैंड, वो तेरा मेरा है प्यार अमर, ये वो वाला था, महा छोड़ो ना यहाँ देखो ना, हाँ नाद मम्मी के लिए सब नया नया रहेगा गाइस क्योंकि उनको कुछ नहीं पता है, वो सब सिर्फ ब्लॉग में देखे।
कपड़ा और दुपट्टा एकदम मैच हो गया था। ये ना लाल मम्मी ये जो सेट है ना इसमें ना ये नहीं आया था, नाक का नहीं आया था, मैंने नाक का अलग से ली और मैच हो गया। सिर्फ इसी के लिए ली थी मेरी भाभी। ये और अच्छा है ये स्टेज पे वो इसमें कौन सा गाना था, तू ही हकीकत था। एंड टाइम पे गाना चेंज करा है ना, मेरे को याद भी नहीं था, मैं जैसे लिपसिंग बड़बड़ बड़बड़ कर रहा था, दिख रहा ही नहीं है वीडियो में। मैं फीलिंग के साथ कर रहा था, मैं उसके साथ नहीं कर रहा था, इसी से बोलने के लिए। तो गाइस यहाँ पे हमारी फोटो, मामू पीछे बैठ के, मामू एक काम करो आप सामने आ जाओ, आप सिर्फ सुन रहे हैं, आप सामने आएंगे ना तो अच्छा लगेगा, वो देख लेगा ना सासू, अभी अपने बात पीछे जाएंगे। तो आप मामू ऐसा बैठ के देख रहे अच्छा नहीं लग रहा, सामने आ जाओ, मैं इधर देखूंगा सुकून से। ठीक है तो यहाँ पे ये क्या कर रहे थे तुम, तुम रो रहे थे ना, इतनी खूबसूरत बीवी कैसे मिल गई, आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था, ऐसा कर रहा था क्या, इसलिए तो शादी नहीं है। अच्छा अच्छा आप इससे पूछो इसने मेरे से शादी क्या देखी थी, क्या देखी की, मैंने तो खुशी नहीं कभी, खूबसूरती हाँ सीरत खूबसूरत है, सीरत अच्छी इसलिए खूबसूरत है, मेरा भांजेगा दिल अच्छा है और मैं इससे इससे शादी क्यों, ये बोलो दिल देख के करी क्यों, पता क्यों किया, इसके दांत देख के उसी से प्यार है, मेरे को अच्छे लगते हैं वो, ऐसा जमा के ना है, मेरी बीवी मेरी बीवी। चलो नेक्स्ट फोटो पे जाए, चलो मम्मी मुझसे जाप से बात करेगा इधर अंदर। और यहाँ पे अभी हमारी नेक्स्ट फोटो, इसमें स्टार्टिंग में ज्यादा पूरी आयशा की फैमिली, क्योंकि उस टाइम पे लोग थोड़ा लेट हो गए थे, ज्यादा आ गए थे है ना, वलीमे में तो गाइस माशाल्लाह बहुत ज्यादा बरकत हो गई थी, क्योंकि हम लोग की किसी शादी में इतने लोग नहीं आए थे, हम लोग की भी पूरी फैमिली आई थी, हम लोग की भी इतने लोग जितने लोग आए थे ना उतने लोग कभी नहीं, हम लोग बहुत लोग आए, आप कहीं नहीं, चुप बैठो, मेरा फोटो आया रुको ना अभी देखो मैं है ना, निकाह में तो मेरे को तो दिखे नहीं, बात नहीं देखो इतना बाजू में मैं बोली, अरे ये घूम रहे थे इधर, ये सब फोटो में से ये क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे ये मेरा दोस्त है आदिल, तो ये होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो हाँ आदिल देख बता दिया देखो। और ये हम लोग सलीम भाई है, वो भी बोल रहे थे मेरे को वीडियो में बताया नहीं तूने, मैं बोला चलो ठीक है बताता हूँ, यहाँ नाग मम्मी तो है, नाग मम्मी तो छोटे छोटा छोटा फोटो, फोटो ले, अरे यार आप बात नहीं कर रहे थे ना मेरे से, मालूम था रिश्तेदार ने इसलिए कोने में लगा दिया, हाँ वो उसको पता है हम लोग के रिश्तेदार कौन है, आप नहीं है शायद, आबिद मामू किधर है, बहुत मामू तो बहुत चलो नेक्स्ट फोटो पे ये देखो, ये फोटो ना हम लोग से ना वो जबरदस्ती खिंचवा रहे पप्पी की, अब पिप्पी ले रहे नहीं थे, नहीं वो मेरे को बोलते हैं तुम्हें ना ऐसा कुछ अलग पोज दो, सिर्फ हाथ बड़ी करो, यही अच्छा यही अच्छा, मस्त दिख रहा है, घुमाते हैं फोटो, हेलो ये बैठो, तो गाइस दिशान की मम्मी भी आ गए हैं, मुमानी लोग सब जाने वाले हैं, बैठो उधर, बैठो उधर, मुमानी को दिखेगा नहीं, मुमानी उधर देखो, जब तक निकाह का देखो ले लो, हाँ तो यहाँ लोग बाजा आ पड़ी, नेक्स्ट फोटो पे जाते हैं, यहाँ पे मम्मी के साथ फोटो है, निशान निशान का फोटो रखे है देखो यहाँ पे, निशान मेरे को भूले खाते हैं, ये फोटो अच्छी क्यों लग रही है मेरी वजह से, कितना उठ के दिख रहा हूँ मैं। तो गाइस यहाँ ये रही फैमिली फोटोज, यहाँ पे है सब रिश्तेदार लोग हैं यहाँ पे, यहाँ अवरेज बोल रहा था बहुत हो गया, भाग के भगा के लेके चले जाऊ, इतना फोटो मत, इतना भूख लग रही थी हम लोग को, और ये खाने पे बैठने ही जा रहे थे कि बोला कि एक भागते हुए टेक दे, तो बोला अभी भागते हुए दिखा दो, और यहाँ पर अवरेज दूसरी लड़की को देख रहा था इसीलिए दोनों ने कान पकड़ ली, सब घर वाले थे दूसरी लड़की कहाँ जाएगी, भाभी सही बोल रहा है, सही पकड़ रहा है, अरे उधर कॉर्नर में कौन है, कॉर्नर में राज चाचा की फैमिली है, तो सब चाचा है, दूसरे दिख गया मैं, तू भी अपने आप को देख रहे हैं क्या, तो यहाँ पे सिर्फ आयशा की फोटो, यहाँ भंगड़ा करवा रहे थे, हैंड जॉब ऐसा लग रहा है, पनिशमेंट दे दी, मैं वो बोला ना मैं अच्छे से कर नहीं पा रही थी वो, फिर तुम आए ना, फिर अपनी फोटो भी रखी मैंने वैसे, अब वो फोटो आगे हुई, आगे यहाँ पे आयशा की अम्मी के साथ फोटो, यही एक फोटो है जो आयशा ने अपनी अम्मी के साथ खिंचवाई है, वो भी जाते टाइम पे निकलते टाइम पे, तो यही फोटो, मेरी भी मैंने अपनी सिर्फ दो तीन फोटो ही लिया था, वही इसमें डलवाया क्योंकि मेरे को मन ही नहीं कर रहा था, इतना थक गए थे हम लोग फोटो खिंचा के। और यहाँ पे अक्षय
अक्षत इज प्रेजिंग मी ओह मेरी भाभी चलो नेक्स्ट फोटो यहाँ पे समत की फैमिली है और आयशा की सब फैमिली है शवा की ले तेरी फोटो मिल गई और हनान आ गई क्या ये ठीक है शादी में यहाँ शुएब की फैमिली यहाँ बड़ी अम्मी लोग यहाँ आयशा की खाला भैया आयशा के दोस्त लोग ये मेरी नानी ने कितनी पुस्तकें देखी मालूम नानी की बेटी उसकी बेटी उसका बेटा फिर उसका बेटा पर नानी मेरी पर नानी भी है नानी की अम्मी भी है पर के पर नानी भी है अरे माँ माशाल्लाह माशाल्लाह दिख रही है इसमें है उसमें क्या फायदा मुंह टूट गया थोड़ा पास से यहाँ पे प्यास लग रही थी भाभी और भाई को मैं बोल रहा था पहले फोटो खींचो बाद में पानी पियो तो ये फोटो जो हम लोग की आगे की तरफ रखी लगी हुई है किसी में तो हाँ बाहर या कहीं तो लगी हुई है उसको ये फोटो आयशा भी दादा से ये छोटे इसमें लगी हुई है कैलेंडर में ये हम लोग खींचते हुए यहाँ मैंने बोला मस्ती में खींचने के लिए इसके आयशा के घर वाले पूरा खींच लिए मैं बोला अरे लग जाएगी उसको हाँ जोर से घसीटने के आराम से घसीटने के जोर से घसीट दिए ये पूरी हाँ, क्या मतलब भाभी तो फिर भी हम लोग ही लेकर आए क्या मतलब इतनी ताकत लगा के तो यहाँ जाहिद और रुईना है या बिलाल जाहिद यहाँ सब फैमिली वाले यहाँ पे आयशा के रिश्तेदार लोग हैं वहाँ पे भाभी का भाई और भाई का भाई हाँ तो यहाँ हम लोग दोनों के साथ यहाँ उदापी और भाईजान है काशिफ और हैफा हमेशा हम लोग के जब कुछ रहता है तो कुछ ना कुछ लेट आते या कुछ ना कुछ लोग करते हैं ऐसा है कि जो प्रॉब्लम हो जाती है तो नोटिस ही नहीं किया हैफा तो कहीं दिख नहीं हैफा ही नहीं क्योंकि हैफा आई थी 11:12 तैयार लेट हो गई थी हाँ तो सबसे एंड में हैफा ही आई थी और एंड वाली फोटो में दिखा दो हम लोग भी तो लेट आए थे यहाँ हम लोग अरसलान भाई हम लोग सब डांस कर रहे थे इमी इमी वो सब पे तो ये उसकी एक मेमोरीज है और यहाँ पे कपल कपल के साथ फोटो लिए थे हैफा और काशिफ नहीं है ना कहा गया खड़ा था ना अच्छा वो गया तो यहाँ पे कपल कपल के साथ ले रहे थे ऐसा मम्मी और अक्षत यहाँ कपल कपल के साथ फोटो चालू थी और यहाँ पे मम्मी के साथ अक्षत खड़ा हो गया था हैफा और काशिफ नहीं थे ना गाइस जैसे कि आप लोगों को बोला और यहाँ पे सब यहाँ पे अमन ने पहले ना भाभी के साथ फोटो निकलवाया बाद में अकेले फोटो निकलवाया अमन ना ये सब चीज में ना उसकी शादी ने जब से वो ध्यान रखा पहले जाके वो फोटो निकालता है उसके बाद बाकी काम करूंगा हम लोग ने ये चीज देख लिए थे इसलिए हम लोग पहले ही फोटो खिंचा ले बोले पहले फोटो खिंचा ले फोटो खिंचाने का टाइम ही नहीं मिलता है तो भाई यहाँ पे सब घुमाने वाला फोटो क्या मस्त दिख रहे थे हाँ बहुत अच्छी फोटो बनाया मेन तो मेरे को डायरी देख के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा लग्जरी डायरी लग रही है ऐसा लग रहा है कि हाँ पैसा ज्यादा दिए तुम लोग ने तो ये सब फिर तो किसी और को देख रहा था भाई भाई ऐसे ही होता है भाई शादी में किसी और को देखते भाई हाईफाई लोग आए थे लोग के साथ लास्ट फोटो निकाले थे हम लोग ने एक फोटो पूरी फोटो में एक फोटो में खाली वो बांगला करते हुए अपना फोटो भाभी हाँ देखो देखो ये फोटो कौन है अक्षत ये कब खींचा मेरे को नहीं पता अक्षत है ये टीम में देखिए आप भी मानते हो ना भाई की तरह दिखता हो तो गाइस ये थी हमारी वलीमे की एल्बम मैं आराम से देखूंगा हाँ बहुत मस्त आई है तो मस्त दिख रहा है तो भी अच्छी है हाँ इसमें ना उसने जो जिस हिसाब से ऐसा लिखा है ना इसमें हाँ लिख के लिखने का बहुत अच्छा बना है ना बाहर के इसमें ना लेकिन उसमें एक्रेलिक यूज किया है ना उसने इसको ऐसा लगा देंगे ना ऐसा हाँ तो गाइज अभी ये सब चीज आप लोगों ने देख लियो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है अभी यहीं पर ही ब्लॉग एंड करते हैं इसलिए लोगों में कहते हैं फोकस।